क्रॉसिंग के अभाव में आए दिन कट रहे हैं, मर रहे हैं। इसी रूट से स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं। एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, यातायात का साधन मुहैया नहीं हो पाता है, जिसको लेकर के हमारे द्वारा जिले के जिला अधिकारी महोदय, DRM महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय सभी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन लोग अभी तक समस्या का समाधान नहीं करा पा रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो हम और पनारी की जनता इसी रेलवे ट्रैक पे जीने और मरने के लिए समर्पित हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग के लोगों की होगी। पत्र के माध्यम से अवगत कराया, वहाँ भी आश्वासन मिला। DRM महोदय भी आए थे, मैं उनका भी घेराव किया था, उनके हाथ में पत्र दिया था, उनसे भी यही आश्वासन मिला था कि मैं जल्द इस समस्या का समाधान करा दूंगा, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हम लोग जीने मरने के लिए यही पे समर्पित हैं। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे आते और जाते हैं, उनके ऊपर दुर्घटना की हमेशा शंका बनी रहती है। बाइक फंस जाती है, कभी ट्रेन आ जाती है, लोग बाइक छोड़ करके भाग जाते हैं, अपना जान बचा लेते हैं, बाइक के चक्कर में कभी उनकी प्राण भी चली जाती है, और यहाँ बाइक फंस जाने से उनका चैम्बर भी फट जाता है। ऐसे तमाम समस्याओं से पनारी की जनता, इस क्षेत्र का समूचा विकास रुक गया है। जब यह रेलवे क्रॉसिंग बनेगा तो रेणुका पार के जितने भी ग्राम पंचायत हैं सभी के विकास के द्वार खुल जाएंगे और हमारा क्षेत्र, हमारा समाज तरक्की की ओर अग्रसर होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जनप्रतिनिधियों और विभाग के अधिकारियों के लापरवाही की वजह से यह रेलवे क्रॉसिंग जैसे एक छोटी सी समस्या का समाधान नहीं करा पा रहे हैं। मैं इसके लिए अनवरत संघर्ष करता रहूँगा, और यदि नहीं होगा तो हम सभी लोग यही रेलवे क्रॉसिंग पे धरना देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।